माता जी, राम राम सीताराम। देखो, हमारे इधर कुआ ही होता है, बोर में पानी नहीं होता है। अभी तो मेरे हिसाब से 15 फुट के अंदर चला गया है पानी, क्योंकि कम से कम एक मंथ से ये 2 मोटर चल रही है इसमें, 5 की और 7.5 की। तो ऐसा है, देखो ये पानी जा रहा है। मैं सींग आपको बताता हूँ, बढ़िया सींग है इतना का। इधर आपको सींग बताता हूँ, देखो ये सींग है, ये हमारे 20 नंबर बोलते हैं इसको, बढ़िया हो गई है। सींग भी बढ़िया है। अभी तो एक कुआ का पानी से ही चल रहा है, सीसा ही चल रहा है, क्योंकि बारिश नहीं है। और बारिश की ज़रूरत है, लेकिन 1 के 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं ज़रूरत है, 15-20 दिन की नहीं है। तो एक कुएं से सलाह लेंगे, लेकिन 1-2 दिन में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। 1-2 दिन में तो ये इसमें कोई जीवात विवाद हो वो भी मर जाएगी, है ना, वो भी मर जाएगी और बढ़िया हो जाएगी सिंग। ये बारिश के पानी से बढ़िया होती है सिंग, कुएं के पानी से इतनी नहीं होती। लेकिन 1-1.5 महीना लगातार बारिश होती है ना, तो भी कमज़ोर होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है ना, कोई तकलीफ रहती है। तो हमारे यहाँ 1-2 दिन की बारिश की ज़रूरत है, ज़्यादा दिन बहुत होती है ना तो यार गाय परेशान हो जाती है और किसान भी परेशान हो जाते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई 1-2 दिन ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बारिश चाहिए, मेरे पानी लेने की। ये देखो हमारे इधर ये वड़ला लगाया है ना, तो उसमें भी किसान झाड़ लगाते हैं ना, तो उसमें भी दरमादा होता है। देखो इसमें ये पेपड़ आए ना, पक्षी खाने के लिए आते हैं सब। देखो ये पक जाते हैं तो बढ़िया रहता है, तो कबूतर चकली वरवांगड़ा नाइट में आता है हमारे इधर, वो खाते हैं, बढ़िया रहता है। ये हमारा अर्जुन नंदी है, प्योर गिर है, ये बड़ी उम्र का है, यह ना अर्जुन है। और 2 जगह पे तो नंबर लिया हुआ है, 2-3 जगह पे। ये तरणेतर मैड़ा, बस 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 उम्र में बड़ा है, लेकिन है बढ़िया क्वालिटी। इसकी हाइट बाइट आप देखेंगे ना, इसकी जाल और माथा और कान सब बढ़िया है, आ जाता है पास में। ये 2-3 जगह पे विनर है, और बहुत बढ़िया नंदी भी है। इसका सीमन यूज़ करते हैं, गाय तो क्रॉस नहीं करता है ना, गाय तो नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी उम्र का हो गया और वज़न भी ज़्यादा है, इसलिए गाय वज़न भी नहीं खमती। अर्जुन नाम है, और तगड़ा नंदी है, यहाँ का तगड़ा नंदी है, कलर भी तगड़ा है, और इसकी बॉडी फिटनेस भी बढ़िया है, और इसकी माँ भी बढ़िया है। जो ये प्रदीप सिंह के पास अर्जुन नंदी था ना एक, उसका बसड़ा है, जो रमेश रूपारेलिया के वहाँ मर गया है उसका बसड़ा है। उसका सिर बेर कान बहुत लंबा है, इसका सीमन हम निकालते हैं, सेल भी करते हैं। अभी तो बूढ़ा हो गया है मेरे हिसाब से, बहुत तो कोई बूढ़ा भी नहीं है, कभी कभी कोई गाय भी क्रॉस कर लेता है, पर अभी तो हम नहीं करवाते। ये छोटी छोटी बछड़ियों के साथ रखा है, इतना कभी खाना खा रही है सब, इतना कभी तो सही हो रही है। देखो यानक ये उसमें से इसकी बछड़ी कोई नहीं है, ये सींग का पाला टाला हुआ है, सुबह मेरे हिसाब से 7 बजे के आसपास डाल दिया है, तो अभी खाना खा रही है, बढ़िया है, तगड़ा नंदी है। मैं और भी नंदी बताता हूँ आपको, सबको बछड़ी भी बताता हूँ, क्योंकि झाड़ है, झाड़ का ये पेड़ है वड़, तो इसका सांव भी आता है जब धूप होती है बहुत, तब और पक्षी को लिए भी बढ़िया रहता है। तो मैं थोड़ा दरवाज़ा खोल के उधर साइड में जाता हूँ, इधर भी एक बसड़ी है। देखो इसीलिए मैं बारिश को मना बोल रहा हूँ,
यानी कि कमज़ोर हो गई है ये बारिश की वजह से, क्योंकि लगातार एक मंथ बारिश हुई थी, अभी सही हो रहा है। देखो ये बछड़ी है और एक बछड़ा है, ये बछड़ा भी प्योर क्वालिटी का है, इसकी माँ बढ़िया दूध देती है, लेकिन हट्टा कट्टा नहीं है, दुबरा पतला है। और इधर हमारा नंदी है भीम, और एक नंदी और भी था, वो किधर गया, यानी किधर गया, वहाँ ले गया, लगे हमारा भाई ले गया, उधर चला गया। ये हमारा भीम नंदी है, मैं बोला एक कृष्णा करके नंदी था, किधर गया, यानी कि इधर तो वाड़ा तो ठेक नहीं सकता। ये हमारा महाबली नाम है, यानी महाबली है नाम इसका। देखो इसमें बहुत बढ़िया, ये भी 2.5 साल का है, सींग बींग और बढ़िया नंदी है। ये किसी को चाहिए तो सेल भी करते हैं, यानी कि ये 2.5 साल का है, इसकी माँ भी काबरी है हमारे पास से, 8.5 लीटर दूध दे रही है इसकी माँ, 8.5 लीटर के आसपास। और ऐसा है भाई साहब, यानी कि ऐसा है, बढ़िया हट्टा कट्टा सब रखा है, और बारिश आती है ना तो वही प्रॉब्लम रहता है। ये भी खाना देखो खा रहा है, सुबह सुबह सिंह का पाला डाला है और शाम को इसको ज्वार की कुट्टी मिलती है, या ना शाम को, या ना शाम को ज्वार की कुट्टी मिलती है। और ज़्यादा इसमें तो नहीं है, इसमें भी 2 बछड़ी है और 1 बछड़ा है, उसमें 2 ही है, एक तो भाई ले गया है उधर, एक इधर बछड़ी है। और ये देखो नंदी ने खाना बना खा लिया है, तो इसलिए हम तो बोलते हैं इसमें गाय रखना है ना, गाय और घोड़ा, तो वो ही आपको काम आएगा स्वर्ग में। इधर तो बंगला गाड़ी फैक्ट्री सब काम आएगा, लेकिन मरेगा ना तब वहाँ का उस काम नहीं आएगा, क्योंकि करण पास बहुत पैसा था। तो सुबह से 6 बजे से 2-10 बजे तक लगे वो सोना का दान कर रहा था। महाभारत में करण था ना, वो करण दानेश्वरी था, लेकिन जब गुजर गया ना तब उसको खाने के लिए स्वर्ग में किसी ने बुलाया नहीं था। तो ये सब आप रख के क्या करेगा, किसी को खिलाएगा तो भी खिलाने के लायक तो सूप अतर का देना चाहिए, ऐसा बोल रहा है भगवान महाभारत रामायण गीता शिव पुराण सब में। मैं पढ़ा भी तो नहीं है पर लेकिन सब पढ़ा हुआ है। तो वो बोलते हैं सूप अतर को देना, कप अतर को मत देना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, ये बड़े बड़े मंदिर हुआ है उसमें पैसा मत दियो, बड़े बड़े संतों को मत दियो, आप गायों को खिलाए और गायों रखिए, घोड़ा रखिए, कोई पक्षी को खिलाए, पागलों को खिलाए, कहाँ गाय आवरी घूमती है उसको खिलाए, कहाँ कोई खाना पीने के है ही नहीं जिसके घर में वो कभी कुछ खराब नहीं करेगा उसको खिलाइए, तो वही है हमारा काम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप गाय रखिए। ये बंगला, ये बिल्डिंगू, ऑफिस, ये ज़मीन जायदाद कुछ काम नहीं आएगी, कुछ काम की नहीं है। जो गाय रखेंगे ना तो भगवान आपको ज़रूर देगी। ये गाय और घोड़ा आपका नहीं खाती, वो खिलाती है, आज नहीं तो 5 दिन बाद, एक साल 2 साल 3 साल बाद खिलाएगी। ये गाय कभी किसी को खाती नहीं, क्योंकि वो विश्व की माँ है, माँ किसी का खाती नहीं, तो खिलाती है बेटा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप रखिए, किसान होगा तो भी रखिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा तो भी रखिए, हिंदू होगा या मुसलमान दोनों को रखना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान भी पहले कोई मुसलमान नहीं था, पहले सिर्फ 4 ही वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वही था, दूसरा कोई जाति नहीं था। ये तो सब ज़्यादा तो ये राजकारणियों ने बना दिया है कि ये जाति बनिया है, हिंदू है, मुसलमान है, फलाना, टिकड़ा, सिख, ईसाई, ये सब हिंदू ही समझो आप, सब रखो। और करण को खाने के लिए भी नहीं बुलाया था, बहुत पैसा था उसके पास। तो ऐसा है भाई साहब,
ना खाने के लिए भी नहीं बुलाया था। शिव माता जी, माँ थोड़ा इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना।